दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। देखिए, शनिवार देर शाम अजमेर के जो एडीएम है, उन्होंने जो अजमेर के कुछ थाना क्षेत्र है वहाँ के कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया था, उसके निर्देश जारी किए थे। उसके बाद से ही अजमेर के अंदर कुछ जो व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए कुछ संदेश सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किए थे, जिसमें कहा था कि इन इलाकों से जो इलाके हैं उसमें जो एडीएम ने हटाए हैं, जिन इलाकों से कर्फ्यू हटाया है, उन इलाकों में अपनी दुकानें अब दुकानदार खोल सकते हैं। इसी बात को लेकर पूरे आधे से ज्यादा शहर के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, माहौल इस तरीके का तैयार हो गया था कि जैसे कि रविवार से अब शहर में जो बाकी की तमाम दुकानें हैं वो खुल जाएगी। लेकिन लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है, उस लॉकडाउन की गाइडलाइन के अंतर्गत बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो कि नहीं खुल सकती हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि स्थानीय प्रशासन के ऊपर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं कि उनको किस जगह पर मंजूरी देनी है दुकानें खोलने की या नहीं देनी है। लेकिन ये जो स्थिति पनपी है और सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल किए गए हैं व्यापारिक एसोसिएशन के जरिए, जिसमें ये कहा गया था कि जो अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी हैं, उन्होंने जो बैठक जिला प्रशासन के जरिए की है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो शहर के मुख्य बाजार हैं उन इलाकों से कर्फ्यू जो है उसको हटा दिया जाए। देर शाम आदेश भी आया, लेकिन कर्फ्यू हटाने का ये मतलब नहीं था कि जो दुकानें हैं वो सारी दुकानें खुल जाएं, बाजार पूरी तरीके से खुल जाए। उसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन पैदा हुआ और दुकानदारों ने आज अपने बाजार की जो दुकानें हैं वो भी खोल दी थी। एकल दुकानें जो शहर में कई दूसरी जगह पर खुली हुई है, उसको लेकर भी लोगों को ये लगा कि जो एकल दुकानें शहर के आउटसाइड में खुली हुई हैं, उसी तरीके से वो बाजार मुख्य बाजारों में भी खोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति जब पैदा हुई तो उसके बाद अजमेर की जो क्लॉक टावर थाना पुलिस है, यहाँ के जो थाना अधिकारी हैं, अपने जाब्ते के साथ यहाँ पे मौके पर जवान पहुंचे हैं। उन्होंने तमाम जो दुकानें हैं जो कि अनुमत नहीं है लॉकडाउन 3.0 के अंतर्गत, उन तमाम बाकी सभी दुकानों को यहाँ पर बंद कराया गया है। ऐसी ही स्थिति आगरा गेट की तरफ जो दुकानें हैं वहां पर भी देखने को मिली है, वहां पर भी कोतवाली थाना पुलिस के जवान पहुंचे हैं, उन्होंने काफी दुकानों को यहाँ पर बंद कराया है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति आज हुई है, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 का आज आखिरी दिन है, लॉकडाउन 4.0 की जो गाइडलाइन है, अगली गाइडलाइन वो फिलहाल अभी आना बाकी है। केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से किसी प्रकार की गाइडलाइन अभी तक 4.0 को लेकर नहीं आई है, लेकिन लॉकडाउन 3.0 की गाइडलाइन को आखिरी दिन कर्फ्यू हटाने को लोगों ने इस तरीके से समझा कि उनको दुकानें खोलने की मंजूरी मिल चुकी है और इसीलिए ये स्थिति पैदा हुई है। लेकिन पुलिस ने तुरंत प्रभाव से, जैसे ही दुकानें खुलना शुरू हुई तो पुलिस ने तुरंत दुकानदारों से वापस समझाइश की है और उनको कहा है कि लॉकडाउन 4.0 का जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक किसी को भी जो अनुमत गैर अनुमत दुकानें हैं वो नहीं खुल सकती है। आज की जो दुकानें खुल के वापस जो बंद हुई उसकी असमंजसता और मिसकम्युनिकेशन जो हुआ था टीवी के एसकेवी चैनल से हुआ था और अखबार में जो आया था, जिनमें सब दुकानदार इस असमंजस में थे कि बाज़ार में जो कर्फ्यू हटाया गया है नया बाज़ार और मदार गेट क्लॉक टावर क्षेत्र से और गांधी बाज़ार से, तो लोग अपने प्राय अखबार पढ़ने के बाद और टीवी चैनल देखने के बाद अपने अपने दुकानें प्रस्थान खोलने आए थे। उसके बाद में क्लॉक टावर के सीआई साहब ने कुछ सिपाही भेज के दुकानें बंद करने के लिए कहा है। इस पर मैंने जो कल बात तय हुई थी मीटिंग में, हमारे उत्तर के विधायक श्रीमान वासुदेव जी देवनानी जी भी कल उस मीटिंग में मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे भी फ़ोन करके बताया था कि मोती भाई, कर्फ्यू ग्रस्त इस क्षेत्र से हटाया गया है और आप लोग अपनी अपनी दुकानें खोलना। इसके बाद में सुबह जब ये स्थिति बनी तो फिर मैंने उनको वापस दोबारा फ़ोन किया, तो उन्होंने एसपी साहब से बात करी, तो एसपी साहब ने इनको ये आश्वस्त किया कि लॉकडाउन में जो जो भी दुकानें खुलेगी जिनमें बस सुबह दुकानें खुली थी, फिर सीए साहब ने दुकानें बंद करा दी। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू क्षेत्र में सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ें ही खोली जाएगी जो लॉकडाउन में आपके दायरे में आती है, इसके बाद में अगर कोई रियायत दी जाएगी तो आपको हम बता देंगे। उसके बाद दुकान मेरा नाम मोती जेठानी, क्लॉक टावर व्यापारिक संघ का अध्यक्ष हूँ। ये एक तो कर्फ्यू ग्रस्त इलाका नहीं रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ मैं,
जिस जगह आप दुकानें खुलने की बात कर रहे हैं वो कर्फ्यू ग्रस्त इलाका नहीं है, वो कल एडीएम साहब के आदेश से कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र से वो हटा दिया गया है। अब ये इलाका जो है वो लॉकडाउन का इलाका है और लॉकडाउन के अंदर जो चीज़ दुकानें खुलनी चाहिए उन्हीं को ही स्वीकृति दी जाएगी। दुकानदारों ने सुबह और जो जगह एकल दुकानें जो खुली हुई थी, जैसे कहीं एकल दुकान साड़ी की है तो वो खुली हुई थी, कहीं एकल दुकान यदि जूते की है तो खुली हुई थी, तो चूंकि शहर में एकल दुकानें जहाँ और जगह खुली हुई थी उस कारण यहाँ के व्यापारियों ने भी ये सोचा कि अगर वो वहाँ खुली हैं तो हम भी उसको खोल सकते हैं, तो उन्होंने अति उत्साह में दुकानें खोल दी थी। जो उनको समझाइश की गई कि भाई ये यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो सकती यदि सभी दुकानें बैक टू बैक दुकानें हैं और वो खुल जाएंगी, तो इसलिए दुकानदारों को समझाइश की गई है कि किराना खाद्यान्न और जो स्टेशनरी मिठाई बेकरी रेस्टोरेंट हार्डवेयर की दुकानें एसी कूलर पंखों आदि की दुकानें इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर जो दुकानें हैं या फिर वाहन की कोई क्रय विक्रय की और मैकेनिकों की दुकानें यही दुकानें खुलेंगी। ये असमंजस की स्थिति इसलिए पैदा हुई थी और उनको समझाइश की गई कि आप इन दुकानों को अभी नहीं खोलें, यदि इनके लिए प्रत्यक्ष का आदेश होगा तो देखेंगे, लेकिन अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है वो स्थिति ही रहेगी। सर ये पड़ाव और कवंडसपुरा इलाके का क्या स्थिति है, यानी यहाँ भी इसी तरह की दुकानें खुल सकती हैं जो जरूरत की है या वो भी नहीं है? और पड़ाव है, इन जगहों की क्या स्थिति है, क्या आदेश है इनके लिए? कल का जो आदेश आया है लॉकडाउन कर्फ्यू से मुक्त क्षेत्र में ये पड़ाव कवंडसपुरा वगैरह ऐड नहीं है। पड़ाव और कवंडसपुरा केसरगंज इन जगह अभी भी कर्फ्यू लागू है और कर्फ्यू में किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुलेगी।